हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शिकायतकर्ताओं को मजबूत कड़ी बताया। शिकायतकर्ताओं को किया जा रहा सम्मानित। वेबसाइट पर हीरोज गैलरी भी बनाई गई है, जहां इनके बारे में अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। डीजीपी शत्रुजीत ने एंटी करप्शन ब्यूरो की पिछले एक साल की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो का टोल फ्री नंबर काफी प्रभावी रहा, ज्यादातर शिकायतें इसी के माध्यम से विभाग को मिली। डीजीपी ने कहा कि वर्ष 2023 में 152 रिश्वत के मामले दर्ज हुए, जिनमें से 186 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार हुए। इनमें 30 गजेटेड अधिकारी, 150 नॉन गजेटेड और 46 आम आदमी गिरफ्तार किए गए। डीजीपी ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुहिम को गति मिली। जिनमें बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी, रेवेन्यू महकमे के कर्मचारी, पावर यूटिलिटीज, फूड एंड सिविल सप्लाईज, लोकल बॉडीज, हेल्थ सर्विसेज, कॉपरेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, फॉरेस्ट, होम गार्ड्स, इरीगेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड रिकॉर्ड एंड कंसोलिडेशन, प्रिजन्स और 14 अन्य विभाग ऐसे रहे जिनके कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध एंटी करप्शन ब्यूरो ने गत वर्ष एक्शन लिया। और स्पेसिफिक इंस्टेंसेस हैं जो आप समय समय पर हम आपके साथ शेयर करते हैं प्रेस नोट्स के माध्यम से, उनकी भी डिटेल आपको इस प्रेस नोट के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो ये हमारी मुहिम है, इसमें जो राज्य सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक जो पॉलिसी है, उसके तहत बहुत मेजर डिसीजंस लिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की गई, जिससे जो लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते उनको पैसा देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से एंटी करप्शन ब्यूरो की जो संख्या, उसको करीब करीब दोगुना से भी ज्यादा कर दिया गया है। उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, उसमें 809 पदों का इजाफा किया गया। और केसेस के लिए साथ एक और दूसरे बड़े इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट विटनेस है, जिनको ट्रैप लगाने से पहले कोई समय बिना समय व्यर्थ किए इंडिपेंडेंट विटनेस पैनल पर जो रखे गए हैं वो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। और वहां से जो एक इंफॉर्मेशन लीकेज की है, 2017 से लेकर 2021 तक के सारे केसेस हमने लिए, जिनकी जो फैसला हुआ इन 5 वर्षों में, और कुल 261 केसों में फैसला हुआ अदालतों द्वारा, जिनमें 124 केसेस में कन्विक्शन थी। और ये परसेंटेज 47.5% आती है। और इनमें इसके अलावा जो 21.83 केस, यानी 57 ऐसे केस थे जिनमें कंप्लेनेंट हॉस्टाइल हो गए, सामाजिक दृष्टि से, दबाव की वजह से, या जो भी वजह रही हो, जब तक ट्रायल शुरू हुआ वो उन्होंने अपने केस का समर्थन नहीं किया, अपने कंप्लेंट को डिसोन किया, और 21.83% ये केस नहीं लिए। कुछ 8.18 या 23 केस ऐसे थे जिनमें शेडो विटनेस हॉस्टाइल हो गया। जो शेडो विटनेस सरकारी कर्मचारी होता है, ये और जैसा कि मैंने आपको बताया 21.83% होने की वजह से, तो करीब वो दोबारा से ड्यूटी पे एकदम आ गए, इतनी जल्दी बेल हो गई, वो केस कमजोर था या रेड हैंडेड नहीं था, क्या मामला था? बेल जो है वो अदालतें करती हैं, और अदालतें एक व्यू लेकर के करती हैं, बैलेंसिंग को करती हैं, ये इस आधार पर कि ट्रायल में समय लगेगा। और जहाँ तक उनको रीइंस्टेट करने की बात है, वो राज्य सरकार या कंसर्न विभाग वो सब कर्मचारियों के केस में अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, उसमें जो एंटी करप्शन ब्यूरो का उसमें रोल नहीं होता। तो ये सवाल आप लेकिन सर, जो छोटे मुलाजिम है उनको तो 6-6 महीने के साल वो जैसे गए, ये हाई प्रोफाइल का भी उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, सस्पेंशन और रीइंस्टेटमेंट वो एंटी करप्शन ब्यूरो से नहीं होता। एंटी करप्शन ब्यूरो हम कार्रवाई करते हैं, गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो गिरफ्तार करते हैं,
और संबंधित विभाग को सूचना दे देते हैं और ट्रायल कराते हैं। तो ट्रायल तक का और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो काम एंटी करप्शन ब्यूरो करता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे विभागीय कार्रवाई का काम संबंधित विभाग करता है, तो वो वही इसके बारे में आपको सम्मान समारोह से लेकर के सर मेरा सवाल है का विषय है, हमारे ब्यूरो के अपने पैरवी करने वाले वकील नहीं है और लोकल डीए वहाँ पे इतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते कई बार रश के कारण, व्हाटएवर द रीजन। डिपार्टमेंट है वो, चाहे वो पुलिस के केसेस हो या एंटी करप्शन ब्यूरो के केस हो, उन सबकी प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन विभाग की है, डायरेक्टरेट है, और उसमें हमारे बहुत काबिल प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो इसमें प्रोसिक्यूशन करते हैं। और एक राज्य सरकार की स्कीम है चिन्हित अपराध की, तो हमने एक और पहल की जिसमें जो महत्वपूर्ण केस एंटी करप्शन ब्यूरो के केसेस हैं उनको भी हमने चिन्हित अपराध की श्रेणी में डलवाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पैरवी की जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, और जो पैरवी में हमारा स्टाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का स्टाफ लगा हुआ है वो भी, उनको हम अलग से सम्मानित भी करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, और मैं खासतौर पे कुछ ऐसे हमारे कर्मचारी हैं जो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया है। एक हमारे कांस्टेबल हैं सुनील जीन में, उनकी जो पैरवी का स्तर है वो सबसे बेहतर है, तो उनको हमने एक फंक्शन करके गत वर्ष सम्मानित किया, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनमें कंप्लेनेंट भी हॉस्टाइल हो गया लेकिन उसमें पैरवी का स्तर उनका इतना अच्छा था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया और उनमें भी सजा मिली। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।